इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो सेंटेंस जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, आमतौर से उसके अंत में हम ता है, ते हैं, ती है, ताहूं लगा देखते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर्स क्या हैं इस टेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो ऑप्शनल होता है। यदि सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन यानी कोई नाम हो तो उस पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में एस या ईएस नहीं लगता। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, शी हेल्प्स हिम, मोहन ईट्स एन एप्पल, आई प्ले टेनिस, वी टेक एक्सरसाइज डेली, यू टाइप लेटर्स, दे सिंग ए सॉन्ग, रचना एंड अलका सिंग ए सॉन्ग। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब एस लगाया है और कब नहीं लगाया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो ऑप्शनल है। यदि सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट का प्रयोग होता है और यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन हो तो डू नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स, ही डज नॉट लाइक चॉकलेट्स, She does not help you, Sohan does not play tennis, I do not read novels, you do not take exercise, they do not take tea. विद्यार्थी इन सेंटेंसेस को देखें और जानने की कोशिश करें कि हमने कब do not लगाया है और कब does not लगाया है। इसके लिए ऊपर रूल्स देख लें, स्ट्रक्चर्स देख लें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? Do या does प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो ऑप्शनल है और पीछे क्वेश्चन मार्क। और यदि WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड हमें लगाने होते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तो स्ट्रक्चर क्या होगा? शुरू में WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड ये कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हूज, होम इत्यादि, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो ऑप्शनल है और पीछे क्वेश्चन मार्क। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो डू का प्रयोग होता है, यानी कि सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन हो तो डज और सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो तो डू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देख लें। डज ही रिब्यू गौतम, क्या वह गौतम को डांटता है? वाई डज ही रिब्यू गौतम, वह गौतम को क्यों डांटता है? अब देखिए यहां वाई WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड है और हमने इसको डस से पहले लगाया है। स्ट्रक्चर्स देख लें विद्यार्थी ऊपर। डज शी हेल्प यू, हाउ डज शी हेल्प यू, हाउ भी एक क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली का सदस्य है। हाउ डज शी हेल्प यू, डज सोहन हेट यू, Why does Sohan hate you? Do they go to office by bus? When do they go to office? Do you want to buy a wristwatch? What do you want to buy? विद्यार्थी इन सेंटेंसेस को देखें और जानने की कोशिश करें कि कब हमने डू लगाया है और कब डज लगाया है। ऊपर नियम देख लें। नोट, When बी verbs is MR work as the main verbs in a sentence, they are different from the structures mentioned above. यानी जब बी वर्ब्स इज एम आर ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये वर्ब्स ऊपर दिए गए ऊपर बताए गए स्ट्रक्चर से अलग हो जाती हैं। यूजेस देखते हैं इस टेंस के। टू एक्सप्रेस हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, अनचेंजिंग सिचुएशंस, इमोशंस एंड विशेज एटसेट्रा। यानी आदत को व्यक्त करने के लिए
बार बार होने वाले एक्शंस को बताने के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, सामान्य सत्य, वैज्ञानिक तथ्य या न बदलने वाली सिचुएशंस, इमोशंस, विशेष को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। आगे हम एग्जांपल्स देंगे इसके। नंबर टू, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की पहले से निश्चित घटनाओं के लिए। इन अदर वर्ड्स, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू फ्यूचर शेड्यूल्ड इवेंट्स और टाइम टेबल एक्शंस। यानी भविष्य में, भविष्य की पहले से निर्धारित घटनाएं या टाइम टेबल एक्शंस, उनको बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। नंबर थ्री, इन विविड नेरेटिव, सजीव ढंग से कहानी सुनाने में। नंबर फोर, रनिंग कमेंट्री, इंग्लिश की रनिंग कमेंट्री इस टेंस में चलती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली, ही टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली, वह नियमित रूप से व्यायाम करता है, रिपीटेड एक्शन है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ, एक प्राकृतिक सत्य है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य वीरों का साथ देता है, ये जनरल ट्रुथ है, सामान्य सत्य है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य है। ही स्मोक्स डेली, वह रोज धूम्रपान करता है, हैबिट है। द प्लेन अराइव्स एट 6 o'clock इन द इवनिंग टुमारो, जहाज कल शाम को 6 o'clock आएगा, ये फ्यूचर शेड्यूल्ड इवेंट या एक्शन है, भविष्य का पहले से निर्धारित एक्शन। इमीडिएटली द किंग हरीज टू हिज कैपिटल, तुरंत ही राजा अपनी राजधानी की ओर तेजी से जाता है। विविड नेरेटिव, सजीव ढंग से कहानी सुनाने में। सोहन पासिस द बॉल टू अशरफ, रनिंग कमेंट्री, इंग्लिश की रनिंग कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलती है। अब देखते हैं इस टेंस में कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं सेंटेंसेस में। इन कीवर्ड्स को अगर ध्यान रखेंगे विद्यार्थी तो उन्हें इस टेंस को पहचानने में सहायता मिलेगी। यदि सेंटेंसेस में इनमें से कोई कीवर्ड आया हो तो संभावना इस टेंस की हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इन कीवर्ड्स को याद रखना है, डेली, हर रोज, यूजुअली, प्रायः, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, जनरली, सामान्यतः, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, ऑकेजनली, कभी कभार, नॉर्मली, सामान्यतः, रेयरली, बहुत कम, या शायद ही कभी, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी या यदा कदा, नाउडेज, आजकल, एट टाइम्स, समय समय पर, या कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, ऑल द टाइम, हर समय, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर। अब इन कीवर्ड्स को रखने वाले सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस जिनमें कीवर्ड्स प्रयोग हुए हैं वो देखते हैं। कीवर्ड्स को मैंने रेखांकित कर दिया है, अंडरलाइन वर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं। नंबर वन, शी गोज टू स्कूल डेली, यहाँ डेली को देखिए आप कीवर्ड। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली मेक मिस्टेक्स इन ग्रामर, विद्यार्थी अक्सर ग्रामर में गलतियां करते हैं। आई समटाइम्स रीड नॉवल, मैं कभी कभी उपन्यास पढ़ता हूँ। शी नेवर गेट्स एंग्री, वो कभी नाराज नहीं होती। शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे। नंबर सिक्स, शी सेल्डम गोज टू द सिनेमा, वह सिनेमा बहुत कम या यदा कदा जाती है। ही यूजली गोज टू हिज ऑफिस बाई बस। रचना ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। द स्कूल नॉर्मली क्लोजिज एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। स्कूल सामान्यतः दोपहर 3 o'clock बंद होता है। नंबर 10, सरला ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑफन अक्सर। 11, हिज सन रेयरली वॉचिज टीवी, उसका बेटा बहुत कम या शायद ही कभी टीवी देखता है। Nowadays, everyone tries to find fault with others. आजकल हर व्यक्ति दूसरों के दोष ढूंढने की कोशिश करता है। Nowadays, आजकल, he generally comes home in the evening, वह सामान्यतः शाम को घर आता है। They visit Delhi once a week, वे सप्ताह में एक बार दिल्ली जाते हैं। He abuses you at times, मैंने समय समय पर या कभी कभी। We go for walks in the park occasionally. हम कभी कभार पार्क में सैर के लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया। इस टेंस के स्ट्रक्चर्स
और यूजेस और एग्जांपल्स आपके सामने रखे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।